तो शिष्य की यहां पर समर्पण का, शिष्य के यहां पर समर्पण का भाव पैदा होता है कि गुरु में कितना समर्पण। अब बापूजी का एक प्रसंग, बापूजी अपने कुटिया के अंदर सुबह सुबह उठकर ध्यान में बैठे, लगभग 7 बजे होंगे। सेवक को कहा, जा धोपिया ले आ। सेवक ने कोयला जलाया, गूगल आदि जो भी धूप डालना था धूप डाला। अब बापूजी अंदर से आवाज लगा रहे, धोपिया ले आ। अब वो धोपिया लेकर खड़ा है कुटिया के बाहर, अरे सुनाई नहीं देता, धोपिया ले आ। वो धीरे से बोलता है सेवक, बापूजी ये दरवाजे की कुंडी लगी हुई है। बापूजी बड़े सहज हो गए, उठे, दरवाजा खोले, धोपिया अपने हाथ में पकड़ा और इतना कहा सेवक से कि आज अगर तू मेरे वाक्यों को पकड़ कर सिर्फ चले आता ना तो आज इतिहास बन जाता। तुझे कुंडी दिखी लेकिन ये गुरु के वाक्य नहीं दिखे कि ले आ। धूल, गुरुदेव धूल बना देते हैं, अहम शून्य बना देते हैं, माने शिष्य बचे ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी को हनुमान कहा, यानी मान रहित। कई ऐसे उदाहरण हमने शास्त्रों में पढ़े हैं, सुने हैं। मिलारेपा का प्रसंग हमने सुना ही है, केताजी महाराज का सुना ही है, मुंज का सुना है, बापूजी के जीवन का प्रसंग भी हमने सुना है। आगे भी हम सुनेंगे कि कैसे गुरु अपने शिष्य को धूल दीक्षा देते हैं, यानी धूल अहम शून्य बना देते हैं।